तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सामने गुड़िया है और वहाँ से आ रही आरती, विक्रम उधर की साइड हो रहा, दिख नहीं रहा, छोटा सा विक्रम है। ये देखो, ये विक्रम है और यहाँ पे देखो पूरा इन्होंने कीचड़ कर दिया है पूरी रात में, और आज है सुबह में धूप निकली तो ये शाम तक पूरा सूख जाएगा। अभी ये चरने के लिए निकल जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कीचड़ अब नहीं होगा, और धूप भी निकल गई तो ये पूरा सूख जाएगा। और अपना यहाँ का जो सफाई का काम था वो हमने कर लिया है। ये देखो कितनी बड़ी बच्ची के साथ झगड़ा कर रहा है विक्रम। ये रहा, तो अभी इन तीनों को लेके निकलते हैं उस वाले फार्म पे। यहाँ की पूरी सफाई कर ली है, गोबर उठा लिया है। तो चाचा जी अभी पहाड़ पे गाय लेके आए हैं चराने के लिए, अकेले वो आज भी। अगर बारिश आई तो फिर आना पड़ेगा, अगर नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धूप ज़्यादा नहीं है, धूप छाव हो रही, लेकिन जैसे ही बादल जाते हैं, ये देखो अभी आसमान में बादल है, जैसे बादल चले जाएंगे बहुत तेज़ धूप आने लग जाती है और बहुत तेज़ गर्मी लगती है हवा होने के बावजूद। तो अभी देखेंगे किस तरह माहौल बनता है। और मैं जा रहा हूँ फार्म पे, अपनी बुढ़िया को भी ड्रेसिंग करनी है, बहुत सारी जगह से खून भी निकल रहा है, वहाँ जाके कर दे। तो भाई अभी अपनी बूढ़ी गाय के इस जगह पे देखो मक्खियाँ बैठ रही है, तो यहाँ पे सफाई करनी है। ऊपर की साइड भी लगा है तो अभी सफाई करते हैं। तो दवाइयाँ मैं सारी लेके आ चुका हूँ, मेरे पास इस डब्बे में है पोटैश रखा था, तो ढक्कन में मैं निकाल लिया है, आधा लीटर पानी लिया है, उसमें पोटैश डालते हैं क्योंकि पोटैश डालते ही पानी पूरा नीला पड़ गया। तो अभी इसको अच्छे से इंजेक्शन से इस पानी को घोलना है, इसे इंजेक्शन में भरना है, इसे भर के इसमें छोड़ के उसको पूरा घोल लेना है, और फिर इसी पानी से अपनी बूढ़ी गाय इस जगह पे अच्छे से साफ करना है, ऊपर भी अच्छे से साफ करना है, फिर बाद में ये बाकी दवाइयाँ लगानी है। तो ये अपना हिमेक्स टूप है, ये और है दवाइयाँ, बाकी ये स्प्रे है, ये सब लगा के अपने बूढ़ी गाय को लगानी है वापस। तो अभी अपनी बूढ़ी गाय की ड्रेसिंग हो गई पूरी, किस तरह की मैं बताता हूँ। तो मैंने पानी लिया आधा लीटर, उसमें मैंने पोटैश थोड़ा डाल दिया, और उस पानी से यहाँ ऊपर की साइड, यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे से सफाई कर ली। उसके बाद आयोडीन लिया, आयोडीन से भी मैंने अच्छे से धो लिया। उसके बाद मैंने सूखा पाउडर उसमें भर दिया है और ऊपर से हिमेक्स टूब लगा दिया है। इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्प्रे नहीं किया, हिमेक्स पाउडर सॉरी हिमेक्स जो टूब आता है वो लगा दिया चारों तरफ से। और अभी मक्खियाँ नहीं बैठ रही है, और अभी जो पाउडर लगा उससे वो जो अंदर की साइड में जो गीला था वो सभी जगह सूख गई है। तो दोनों साइड वैसा ही किया, लेकिन मैंने पहले इसको जब पोटैश के पानी से धोया तब अच्छे से पूरी सफाई कर ली अंदर की, पूरी जो गंदगी थी पूरी निकाल ली, और फिर ये पाउडर लगा के ऊपर से भर दिया। तो अभी ठीक है, कल फिर से इसको वैसे ही धो के फिर पाउडर लगाना पड़ेगा। अभी अपनी बुढ़िया को हरा चारा दिया था, अभी इसको सूखा दे देते हैं और थोड़ा हरा इसमें और डाल देते हैं, तो फिर वो जो लगेगा वो खा लेगी। और इस साइड में सभी बच्चे, ये रहे बहुत छोटे दिखते हैं यहाँ से, बैठे हैं सभी, तो उनको भी चारा देना है। तो अपने महाराज की माँ को सिंह को कलर भी लगा दिया मैंने, और उसके गले में छोटा सा घुंघरू बांध दिया, और ये चुटकू की माँ उसके सिंह पे कलर लगा दिया, गले में कुछ नहीं बांधा। इस गाय के लिए कलर बचा नहीं तो इसके सिर्फ गले में बड़ा वाला घुंघरू लगा दिया है। इस साइड में इस वाली गाय के लिए भी कलर नहीं बचा, इसको भी नहीं लगा। और अपनी गुड़िया की माँ को सिंह को कलर, और गले में घुंघरू बांध दिया है छोटा। अपनी चुटकी की माँ को सिर्फ सिंह को कलर लगा है, बाकी घुंघरू नहीं है इसको। और इस साइड में अपनी विक्रम की माँ, इसके गले में बड़ा घुंघरू और सिंह को कलर लगा दिया है। और अभी इस साइड में इसको भी नहीं लगा, गले में भी कुछ नहीं है और सिंह को भी कलर नहीं लगा, इसको भी नहीं। और थोड़ा बचा था तो इसके गले में घुंघरू बांध दिया आरती की माँ के, और सिंह को भी कलर लगा दिया। तो इसको सबसे कम कलर लगाए, क्योंकि आखिरी में बचा था वही लगाए। तो
तो अपनी तीन गाय रह गई और अपनी एक बूढ़ी गाय, चार गाय को कलर नहीं, तो बाकी गायों को तो लगा दिया मैंने, ये रही, क्योंकि कलर बचा नहीं जो अपने बैलों के लिए लाए थे, उसमें से बचा कलर मैंने पांच गायों को लगा दिया, उसमें से तीन इस साइड में, इनको अच्छा लगा, इन दो को भी अच्छा लगा, इसको थोड़ा बहुत लग गया, तो लाए तो सिर्फ पांच बैलों के लिए थे लेकिन गायों को भी लगा दिया। तो अभी चाचा जी ने और एक बार पोटैस का पानी बना लिया है, अपनी गाय की ड्रेसिंग और एक बार कर रहे, दोपहर का टाइम में अभी कर रहे, सुबह हमें ज़्यादा असर नहीं लगा और पानी निकल रहा है अभी वहाँ से, तो अभी फिर से पानी कर लिया है पोटैस का और वो चाची जी अभी धो रहे वहाँ पे। उसके बाद वो गिद्यान का पाला लेके आए हम, ये वाला देखो बहुत कड़वा होता है, और अभी अपने जो गाय का जख्म है उसके अंदर इसको डालेंगे, जो अंदर कीड़े होंगे वो मर जाएंगे, और एक कपूर भी है तो इससे भी करते हैं, इसका मुझे पता नहीं चाचा जी लेके आए हैं, अभी देखते हैं वो किस तरह करते हैं दवाइयाँ सारी, यही है। तो अभी अपनी बूढ़ी गाय को दवाइयाँ लगा दी है और पूरा क्लियर कर लिया है, सुबह हमने जब दवाई लगाई थी वो उस टाइम हमने सिर्फ वहाँ से खून ना निकले और मक्खी ना बैठे ये वाली दवाई लगाई थी, लेकिन उसके पे कोई असर ही नहीं हो रहा था, अंदर से फिर से पानी निकल रहा था, तो चाचा जी को बताया तो चाचा जी ने बोला कि भाई अंदर कीड़े पड़ गए होंगे इसी वजह से ये हो रहा है, तो अभी हमने कीड़े मारने की दवाई भी अंदर डाल दी है, और कपूर भी चूरा कर लिया बारीक से पीस के अंदर भर दिया है, और गिद्यान का जो पाला मैंने बोला था वो बहुत कड़वा होता है उससे भी कीड़े मर जाते हैं, तो वो भी अंदर डाल दिया है, ऊपर से दवाई लगा के पाउडर लगा के फिर से स्प्रे कर दिया है, अब देखते हैं अभी क्या असर होता है, अगर कीड़े हो तो भी मर जाएंगे, अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो तीनों शैतान चारे पे आके बैठे और ये तीनों के तीनों चारा खराब करेंगे, अभी ये जो नीचे का ये पूरा फेंकना पड़ेगा क्योंकि ये अभी गंदे पैर उसी पे रखेंगे, और डॉग देखो कैसे सोया है आराम से, थोड़ी देर पहले हल्की बारिश हुई थी, ये देखो सामने की तरफ गीला है, बहुत हल्की बारिश थी, एक डॉग यहाँ पे सो गया है, ये के सामने सोया है, और जैसे ही बारिश खुली अपनी सभी गाय बाहर आ गई है, ये देखो धूप आ गई, अभी हल्की बारिश आई थी अभी खुल गई, अभी काटते हैं चारा और भरते हैं। तो अभी चाचा जी ने अपने डॉग को खाना डाल दिया, पांचों डॉग हैं, और इस साइड में अपनी सभी गाय को बांध दिया है, इन सब की खुराक खानी भी हो गई है, और आज देखो बहुत अच्छी दिख रही है वो, उनके सींग को हो गया कलर और गले में भी घुंघरू लगा दिया तो अच्छी दिख रही है अपनी गाय, बाकी कलर कम पड़ गया ना तो बाकी अपनी जो गाय थी वो भी सभी हो जाती, और सूखा चारा भी डाल दिया है, ये रहा सभी जगह सूखा डाल दिया है, बच्चों के सेप्टर में भी सूखा डाल दिया है, बच्चे छोटे यही रहे पास में और बड़े ये रहे सामने, सामने की तरफ बूढ़ी गाय भी उसको भी अंदर लेते हैं, इन सब का भी चारा पानी हो गया है, सेप्टर में चारा इनका डल गया है, चारा काट के यहाँ पे गट्ठा हो गया है, सुबह इसकी होगी कुट्टी, सुबह में हरा जाएगा। अभी विक्रम कहाँ गया, ये विक्रम चारे के अंदर चला गया, विक्रम चल बाहर आ, बाहर आ विक्रम चल, तो ये विक्रम अंदर चला गया है, तो अभी निकाल लेते हैं अपनी गायों का दूध। तो अभी सभी छोटे शैतान हो गए सेप्टर में बंद, गाय खुल गई है चारा खाने के लिए, थोड़ा अंधेरा हो गया है, अभी अपना काम तो हो गया पूरा, बूढ़ी गाय आ गई है फार्म के अंदर, इसको कल फिर से दवाई लगानी है अच्छे से, हम जो दवाई लगा रहे वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो कल हम अच्छी वाली दवाई उसको कल लगा देंगे, और अभी सारे काम तो हो गए, अभी सीधा घर के लिए निकलेंगे। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।